सादर प्रणाम, मैं कैस आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि अभी चल रही है, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया। तो मैं सबसे पहले उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और ये नवरात्रि स्पेशल हमारी वीडियो है, तो मतलब उसी पर पूरा विशेष है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें और 10 दिन, यानी इन 9 रात्रि और 10 दिनों के दरमियान देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मैं हर दिन की कन्या पूजन की थोड़ी सी झलकी आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ इंजॉय कीजिएगा पूरी वीडियो। थैंक यू। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाई जाती है। जिस प्रकार देवी दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की शक्ति को इकट्ठा करके दुष्ट राक्षस महिषासुर का नाश किया था और धर्म को बचाया था, उसी प्रकार हम सब मनुष्य अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके मनुष्यता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसीलिए दुर्गा पूजा हम सबको यही संदेश देती है। दुर्गा पूजा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यह उत्सव लगभग 10 दिन चलता है और इस त्यौहार में देवी दुर्गा के पूरे 9 दिनों तक पूजा की जाती है। 10वें दिन देवी दुर्गा ने बैल राक्षस महिषासुर का विजय प्राप्त की वध करके, तो इस दिन दशहरा कहलाता है। पूजा का अंतिम दिन मूर्तियों का विसर्जन बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से जुलूस के साथ निकाला जाता है। दुर्गा पूजा अनीति अत्याचार और बुरी शक्तियों के नाश के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि आप सब इसके महत्व समझ चुके होंगे कि स्त्रियों का सम्मान कितना आवश्यक है। हैप्पी दुर्गा पूजा। आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कन्या पूजा हमारे घर में हो रहा है। हम लोग के यहाँ इंडिया में कन्या पूजन की प्रधानता है। तो वैसे भी नवरात्रि के अलावा भी अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी बच्चियों की, जो भी गर्ल्स हैं, जो भी औरतें हैं, उनकी सबकी इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और ये तो खासकर नवरात्रा ही है, तो नवरात्रा में ये छोटी बच्चियों को भगवती का दर्जा दिया जाता है। तो आइए चलिए मेरे साथ इन सब की पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और इनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये हमारी दो प्यारी सी छोटी छोटी सी कन्या कुमारी हैं जो अभी भगवती के रूप में हमें दर्शन देने के लिए आई हैं। तो आप सब भी इनका दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ और साथ ही साथ बोलना चाहती हूँ, हैप्पी नवरात्रा, हैप्पी दुर्गा पूजा आपको और आपकी पूरी फैमिली को। हैप्पी दुर्गा पूजा। हैप्पी दुर्गा पूजा। कैसा लग रहा बाबू आप सबको हमारे घर आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब स्वादिष्ट लगा जो आप लोग खा रही हैं? चलिए थैंक यू सो मच हमारे घर आई, हम लोग को आशीर्वाद दी, हम लोग के साथ अपना टाइम स्पेंड की और हम लोग को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। और आप लोग छोटी कन्या कुमारी हैं तो हम सभी को आशीर्वाद दीजिए, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। माता शेरावाली की जय हो। कन्या कुमारियों का दर्शन कीजिए और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये माता के स्वरूप हैं और नवरात्रि में इनको साक्षात माता का स्थान दिया जाता है। वैसे भी नवरात्रि के अलावा भी छोटी बच्चियों में माता ही निवास करती हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, बेटियों की, बहनों की, लड़कियों की इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।